हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट की आयुष की काउंसलिंग के बारे में। बिहार स्टेट के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा वरी में थे, बिकॉज काफ़ी टाइम से बिहार के लिए नोटिफिकेशन नहीं आया था, जहाँ ज़्यादातर स्टेट अपनी आयुष की काउंसलिंग को फिनिश करने वाले हैं, मॉपअप राउंड पे हैं, बट उसी के टाइम मीनवाइल पे बिहार ने अपनी काउंसलिंग को स्टार्ट ही नहीं किया था। बट स्टूडेंट्स, अब आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। 24 सितंबर को बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ गया है काउंसलिंग को लेके, और आपकी बिहार की काउंसलिंग की एक्टिविटी का राउंड नंबर फर्स्ट 26 सितंबर 2019 यानी कि कल के दिन से आपका कल के दिन थर्सडे से आप लोग की काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। स्टूडेंट्स लोग को ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाके अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें बिहार स्टेट में बिहार के स्टूडेंट्स को भी काउंसलिंग कर सकते हैं, और बिहार के बाहर के बच्चे, अदर स्टेट के बच्चे भी बिहार में चाहें तो काउंसलिंग करा सकते हैं अपनी। बिहार स्टेट में जो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस आएंगे, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आप देखते हैं तो 4 ही गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिसमें 2 आपके BMS के हैं, 1 होम्योपैथिक का है और 1 यूनानी का है। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना एक आपका गवर्नमेंट कॉलेज है आयुर्वेदिक का, और राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज बेगूसराय, ये 2 आपके BMS के कॉलेज हैं। तीसरा है आपका गवर्नमेंट RBTS होम्योपैथिक कॉलेज मुजफ्फरपुर में जो पड़ता है, और फोर्थ आपका जो यूनानी का जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट टिबिया कॉलेज पटना। ये 4 गवर्नमेंट कॉलेज है। इसमें एडमिशन लेने के लिए या इसकी काउंसलिंग करने के लिए आपके बिहार स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए। इसमें अदर स्टेट के बच्चे काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं, ओनली बिहार स्टेट के काउंसलिंग कर सकते हैं। बट अगर हम जैसे सेल्फ रिलायंस कॉलेज की बात करते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, तो होम्योपैथिक BHMS के अंदर 14 कॉलेज हैं होम्योपैथिक के बिहार के अंदर, और 6 कॉलेज आपके BMS में। जल्दी से कॉलेज का नाम भी देख लेते हैं। दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज पड़ता है सिवान के अंदर, BMS का कोर्स है। मोती सिंह आयुर्वेदिक कॉलेज पड़ता है आपका छपरा के अंदर, BMS का कॉलेज है। नितेश्वर आयुर्वेदिक कॉलेज आपका पड़ता है मुजफ्फरपुर में, BMS का कॉलेज है। स्वामी आयुर्वेदिक कॉलेज आपका गया में पड़ता है, आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज आपका गया में पड़ता है। स्वामी विवेकानंद आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज आपका पड़ता है जिमदीप के अंदर। तो टोटल 6 BMS के कॉलेज हैं, और साथ में 4 यूनानी के भी कॉलेज हैं आपके, ZHUMC सिवान के अंदर, सल्फिया दरभंगा के अंदर, NUMC गया के अंदर, और सूफिया यूनानी मेडिकल कॉलेज चंपारण के अंदर। तो ये सारे कॉलेज हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, सेल्फ फिनेंस के अंदर बिहार का स्टूडेंट और बाहर अदर स्टेट के स्टूडेंट भी काउंसलिंग कर सकते हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बिहार के बच्चों को ही काउंसलिंग करनी है। कैसे होगी काउंसलिंग? बिहार स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाइए। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है बिहार की? ऑफिशियल वेबसाइट है BCECEboard.bihar.gov.in। इसके ऊपर लॉगिन करना है कल से आप लोगों को, और लॉगिन करने के बाद फिर आप लोगों को अपना वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन की एक्टिविटीज प्रोसेस क्या क्या रहेंगे उसको भी समझ लेते हैं। पहला स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, स्टेप नंबर 1 है आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन करना। बेसिक रजिस्ट्रेशन में आप अपना एक्टिवेशन कोड और यूज़र आईडी पासवर्ड के क्रेडेंशियल्स बनाते हो। स्टेप नंबर 2 में आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालोगे, अपने बारे में जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछता है उसको डालने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे। थर्ड स्टेप में आप फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करोगे। फोर्थ स्टेप में आप अपनी एजुकेशनल कॉलेज इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे दोगे, क्लास 10 में क्या है, क्लास 12 में क्या है, कितने परसेंटेज है, ये सारी चीज़ आपको स्टेप में डालना है। स्टेप नंबर 5 में प्रीव्यू योर एप्लीकेशन, एक बार आपने जो एप्लीकेशन पूरी फिल करी है स्टेप नंबर 5 में उसको प्रीव्यू करके देख सकते हो कि कहीं पे मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है जेंडर में, डेट ऑफ बर्थ में, नाम में, परसेंटेज में, कि जिससे हमको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके बाद आप स्टेप नंबर 5 में एक प्रीव्यू ले लोगे, और प्रीव्यू लेने के बाद उसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। स्टेप नंबर 6 आपका आता है पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फ़ीस। यहाँ पे आपके आप अपना काउंसलिंग फ़ीस का पेमेंट करते हैं। 1200 रुपये, 1200 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है। SC ST वाले बच्चों के लिए 600 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है, जो कि आपको ऑनलाइन अपना पेमेंट कर लेना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन नेट बैंकिंग के द्वारा आप लोग उसमें पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद 7 स्टेप है आपका डाउनलोड कर लेना है, सारा फॉर्म फिल कर गया आपने, पेमेंट कर दिया, आप उसका एक प्रिंटआउट ले लेना है, डाउनलोड कर लेना, सेव कर लेना है PDF के फॉर्म में कर लेना, जैसे आपको सूटेबल हो उस तरह से आप कर सकते हो। तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर आपके काउंसलिंग का स्कीम आएगी। अभी फ़िलहाल जो डेट्स आई हैं वो आपके सामने मैं बता देता हूँ क्या डेट्स आई हैं। डेट्स आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 26 सितंबर से स्टार्ट हो जाने वाला है, और क्लोजिंग डेट इसकी दे रखी है आपकी 1 तारीख को, यानी कि 1 अक्टूबर रात को 12 बजे तक, 11:59 तक आपका ये चलेगा। उसके बाद आपका पब्लिक
एप्लीकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, यानी कि जितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है उनकी एक मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी इसी ऑफिशियल वेबसाइट को, जो आप लोग देख पाओगे 4 अक्टूबर के ऊपर। और प्रपोजल डेट ऑफ काउंसलिंग येट टू बी नोटिफाइड, यानी कि किस दिन से काउंसलिंग होगी वो नोटिफाइड अभी भी किया जाना बाकी है, उसकी डेट जल्दी ही आपको मिल जाएगी। फिलहाल आप बिहार वाले बच्चे जो गवर्नमेंट कॉलेज में काउंसलिंग कराना चाहते हैं, बिहार के बच्चे उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और प्राइवेट कॉलेज के लिए भी आप लोग रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं। तो बिहार के बच्चे और बाकी के बच्चे सभी लोग आप बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पे होगा। कट ऑफ के बारे में भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं जाते जाते। कट ऑफ कितना होगा, देखिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं बिहार के अंदर, तो 500 प्लस के ऊपर अच्छी चांस रहेगी बीएमएस कॉलेज को लेने की। बीएचएमएस आपको थोड़ा बहुत कम नंबर पे भी मिल सकता है, इट कुड बी अराउंड 470 to 480 के आसपास भी मिल सकता है, 460 तक भी आपका, 450 तक भी बीएचएमएस जाने की संभावना रहेगी। बीयूएमएस में 400 प्लस पे मिलने की काफ़ी अच्छी चांसेस रहेंगी इन केस ऑफ द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। जैसे हम सेक्टर आते हैं सेल्फ फाइनेंस की तरफ, यानी कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ, प्राइवेट के बीएमएस बीएचएमएस में, तो इसमें आपको 200, 250, 300, 150 सारे एलिजिबल स्कोर पे सीट्स मिलने की अच्छी चांसेस रहेंगी। करना क्या है, अच्छे से चीज़ों को समझना है, प्रोसेस को करना है और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। अगर कहीं पे भी कोई भी छोटी गलती हो सकती है तो एक छोटी भी गलती से भी हमारी सीट जा सकती है, तो इस चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करें और बिहार की काउंसलिंग के लिए आप रेडी हो जाएं। बस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग फ्रेंड्स। उसके बाद भी अगर आप लोग को कुछ प्रॉब्लम हो रही है कैसे काउंसलिंग करनी है, तो यू कैन टेक आवर हेल्प। आप हमारी मेंटरिंग ले सकते हो, हमारी सर्विसेज ले सकते हो। उस कंडीशन में एशियस की टीम आपको मेंटर करती है और आपको गाइड करती है किस अप्रोच से आप काउंसलिंग करें कि आप पहले ही राउंड में परफेक्ट बेस्ट से बेस्ट कॉलेज की सीट विदाउट किसी गलती से आप निकाल सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और भी वीडियोज़ आने वाले हैं आपके काफ़ी काम के, अदर स्टेट के बारे में, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, मॉप अप राउंड के बारे में, वो सभी आपको इस चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड फॉर योर काउंसलिंग फ्रेंड, थैंक यू सो मच।